बाय वन जो है ब्लैक ऑलिव्स रख दूंगी। और इसके बाद थोड़ा सा चीज़ और डाल देंगे हम। इसके बाद मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, एक बड़ा चम्मच डाला है मैंने लगभग, और पिज़्ज़ा और ओरिगानो डाल रही हूँ यहाँ पे, वो भी एक चम्मच डाला है। तो कढ़ाई जैसा कि मैंने बताया था मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी है। नीचे जो आप देख रहे हैं वो नमक है और इसके ऊपर एक जाली है, उसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा अंदर रख देंगे और पूरा इस कढ़ाई को बंद नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो साइड से पानी छोड़ देता है पिज़्ज़ा। तो आफ्टर 20 मिनट्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैं टूथपिक से इसे प्रिक कर रही हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ निकल रही है, इसका मतलब पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है और सब्जियाँ जो आप देख सकते हैं कलर चेंज कर चुकी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बना था, घर पे ही आप पिज़्ज़ा बनाएं और खाएं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।